तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक वीडियो में। तो अभी आप देख रहे हैं हीरो की आई स्मार्ट बाइक है, ये स्प्लेंडर आई स्मार्ट जो कि 100 सीसी में आती है। इस बाइक का क्लच प्लेट चेंज किया गया था, सिर्फ क्लच प्लेट को चेंज किया गया था। और क्लच प्लेट चेंज करने के बाद जो है मतलब कुछ दिन तो पिकअप सही रहा, और उसके बाद कस्टमर कहने लगे कि पिकअप जो है मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा, गाड़ी की जो स्पीड है जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। तो फाइनली दोस्तों क्लच प्लेट जो है मुझे लगता है कि सही फिनिशिंग नहीं हुई होगी, या फिर अगर कोई क्लच प्लेट डाला भी होगा तो उसका जो लाइफ है ज़्यादा तक नहीं रहा होगा, या फिर वो क्लच प्लेट डालने वाले जो है उन्होंने ध्यान से नहीं देखा कि हमें क्या क्या डालना चाहिए। क्योंकि क्लच प्लेट से सिर्फ ही नहीं लगता है गाड़ी में, क्लच प्लेट, सेंटर, हब और प्रेशर प्लेट, ये सभी चीज़ें लगती है। स्प्रिंग वगैरह भी बहुत कुछ लगता है क्लच प्लेट के साथ में। तो अभी देखिए हमारे हाथ में जो अभी MK लाइट का जो है मतलब क्लच असेंबली है, ये देख सकते हैं क्लच इनर असेंबली है, यानी क्लच में जो पूरा काम करता है क्लच को लेकर वो पूरा किट है इसके अंदर। तो गाइज MK कंपनी का ये क्लच असेंबली है, तो मैं क्या करने वाला हूँ इस बाइक में यही डालने वाला हूँ, और आपको दिखाते हैं खोल कर इसका फिनिशिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, कैसा रहता है, ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो कंपनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइंस 1959 दिया हुआ है, ये देखिए 1959। ये प्रोडक्ट आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है। आप जिस भी वर्कशॉप में जाएंगे, जिस भी होलसेल वाले के पास जाएंगे, आपको इस कंपनी का क्लच प्लेट ज़रूर मिलेगी, इस कंपनी का ब्रेक शो मिलेगी, इस कंपनी की जो है और भी जैसे कि डिस्क ब्रेक पैड हो गया, बहुत कुछ है। यानी कि अब जो है मतलब धीरे धीरे सामान को जो है बढ़ाते जा रहे हैं MK लाइट कंपनी वाले। तो ये देखिए ये होता है पूरा कम्प्लीट असेंबली, ये होता है इसमें जो है ठेसी प्लेट भी है, बोल्ट भी है, स्प्रिंग भी है, ये क्लच प्लेट हो गया, ये क्लच हब हो गया, ये क्लच सेंटर हो गया, और बीच में जो लोहे का देख रहे हैं ये प्रेशर प्लेट हो गया। तो कंप्लीट ये आती है। देखिए इसका प्राइस भी बहुत कम होता है, आपको अगर बता दें प्राइस की तो ये देखिए 704 रुपये का आता है। अब अगर आप सिर्फ हीरो का जैनमिन इसमें क्लच प्लेट डालते हैं तो ये 380 रुपये का आता है, और एक अगर प्रेशर प्लेट की इसका क्लच हब की बात किया जाए तो वो भी 380 रुपये लमसे में आता है। तो 700 रुपये तो ऐसे ही सिर्फ क्लच प्लेट और क्लच हब का पड़ जाता है, और इसमें जो प्रेशर प्लेट, क्लच सेंटर, ये सभी चीज़ें जो है बाकी रह जाती हैं। तो हमने वैसे हीरो का जोड़ कर देखा, अगर हीरो का सारे चीज़ अगर अलग अलग करके लगवाएंगे ये सब स्प्रिंग बोल्ट और ये प्लेट छोड़कर, तो आपको करीब 1300 पड़ जाएगा उसमें, और आपको ये चीज़ें जो है मात्र 700 रुपये में मिल रही है पूरा कम्प्लीट। और मैंने इसे पहले यूज़ भी किया है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पहले भी होंडा शाइन बाइक में डाला है, काफ़ी दिनों तक चली, अच्छी चली है, काफ़ी पिकअप रहता है, इसका लाइफ बहुत अच्छा है। तो मैं इसमें यही डालने वाला हूँ, मुझे लगता है कि इस बाइक में जो भी बीमारी है, जो भी दिक्कतें हैं पिकअप को लेकर, ये सही हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो चलो मैं फटाफट इसे खोलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का जो इसके अंदर जो लगा हुआ पार्ट्स है वो कैसा, किस कंडीशन में है, क्लच सेंटर अब ख़राब है कि नहीं है, प्रेशर प्लेट कभी चेंज किया कि नहीं किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, उसके बाद ये भी आपको खोल कर दिखाएंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है वीडियो को शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्लच प्लेट इसमें लगा हुआ है, और ये क्लच सेंटर है, ये प्रेशर प्लेट है, जो प्रेशर प्लेट जो है ख़राब है इसका। और ये क्लच सेंटर हुआ और ये क्लच हब हुआ, ये सब चीज़ें जो है ख़राब है इसका दोस्तों। और मैं क्या करने वाला हूँ इसमें पूरा कंप्लीट लगाने जा रहा हूँ। भाई देख सकते हैं यहाँ MK लाइट का मोहर लगा हुआ है, कंपनी का मार्का लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है देख सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी में आता है, आप ये बिल्कुल भी ना सोचा कि ये डुप्लीकेट है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। मुझे इधर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ऐसे लगा देना है इसके अंदर।
ये प्लेट जो है ऑयल से भीगा हुआ होता है। तो गाइज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज 14 तारीख है और छठा महीना 2022 का ये वीडियो है। तो मैंने फाइनली इसमें वो सारा चीज़ लगा दिया, पूरा MK लाइट का जो है क्लच असेंबली लगा दिया है। अब खास करके आपको ध्यान ज़्यादातर जो देना है इंजन ऑयल के ऊपर। ये देखिए हीरो की 100cc में जो इंजन ऑयल आता है 10W30 का आता है API SN। इंजन ऑयल डालने के बाद आप देखेंगे कुछ यहाँ पर निशान जो बना हुआ है, यहाँ तक इंजन ऑयल होना चाहिए, ये यहाँ तक।